और कितने इतना लेट कैसे आ रहे हो भाई? वाह, इतना लेट कहे आ रहे हो? वो ट्रेन लेट हो गई, गार्ड साहब मिल गए, वो पंचर हो गई थी, ट्रेन पंचर हो गई के बारे में ट्रेन पंचर हो गई थी। तो मेंटेन अच्छे से करना चाहिए था ना आपको, चढ़ने के पहले हवा चेक करना चाहिए, अगली बार से ध्यान रखिएगा, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे, है ना। वो हम लोग अभी क्या ना देने हैं, जाओ सर बता रहे हैं लास्ट में, उधर कुछ सुनना है, सुन लो। आज होने वाली है हमारी थर्ड डे की फील्ड ट्रेनिंग, और इसके लिए हम जाएंगे आज RRI ऑफिस। सबसे पहले हम अपने लॉबी में आकर के वहाँ पे साइन इन किए, यहाँ से अब हम जाएंगे RRI बिल्डिंग में। दो सब यही कि आज लॉबी में आके अच्छा लग रहा है। हाँ, उसके बाद आज हम लोग का पता नहीं क्या होगा, अभी तो हम लोग खड़े ही हैं। हाँ, और रवि रंजन भाई तो बताइए क्या हाल चाल, कैसे लग रहा है अब? अरे बिल्कुल अच्छा लग रहा है, ऐसा आज कैसा फील आ रहा है यहाँ पे? भैया के चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत मजा आ रहा है, सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर हमारे बिलासपुर लाबी के जो हमारे गार्ड सर हैं, जो सीनियर हैं, वो हमें इस लॉबी के बारे में कुछ जो इंस्ट्रक्शंस हैं और जो चीज़ें यहाँ पे चलती हैं और हमें क्या क्या करना है उसकी जानकारी देते हुए। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले साइन इन किया, इसके लिए दो माध्यम अवेलेबल हैं, या तो आप कागज के माध्यम से कीजिए या तो आप कंप्यूटर के माध्यम से कीजिए। फिलहाल हमारी ID जनरेट नहीं हुई है, इसी कारण से हम कंप्यूटर के माध्यम से साइन इन नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें दूसरा माध्यम चुनना पड़ेगा जो कि है पेन एंड पेपर माध्यम। तो फिलहाल तो हमने कंप्यूटर में जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में सीखा, जाना और उसे करने के लिए प्रयास किया, बट क्योंकि हमारा अभी ID नहीं हो पाया है, तो जैसे ही वो हमारा थंब मांगेगा हमारा वो थंब एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इसके लिए हमने दूसरा माध्यम अपनाया जो था हमारा पेन एंड पेपर मोड। तो पेन और पेपर मोड के लिए हम सभी दोस्तों में लग गई भगदड़, सब अपना साइन इन करने के लिए बहुत ही बेचैनी से और एकदम से झुंड बना करके एक साथ साइन इन करने के प्रयास करते हुए। तो एक एक करके साइन इन करने के बाद अब हम यहाँ से जाएंगे RRI बिल्डिंग की ओर, मतलब कि रूट रिले इंटरलॉकिंग। रूट रिले इंटरलॉकिंग वो जगह है जहाँ से हमारा जो ट्रेन का ऑपरेशन है, जो मूवमेंट है, वो पूरा अच्छे से किया जाता है। ट्रेन के इस ऑपरेशन को अच्छे से सुनिश्चित करने के लिए वहाँ पे दो तीन स्टेशन मास्टर एक ही साथ एक ही चैम्बर में बैठ करके ट्रेनों का मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, किस ट्रेन को किस लाइन पे लेना है और कहाँ पे लेना है, इसकी एक दूसरे से चर्चा करके उसको लाइन क्लियर दिया जाता है। अरे भाई तू तो ये भगता है हमेशा, आज कल अच्छा नहीं दिखा। अरे कैसे नहीं दिखते यार, कैसे बोल रहा है भाई, एक एक लाख के लाख। हाँ तो अच्छे ही दिखेंगे। और यहाँ पे जो हमारे अमित भाई थे वो कुछ देर के लिए घायल हो गए थे, तो उन्हें एक बिस्किट जो है गिफ्ट में मिला। गिफ्ट में जैसे ही बिस्किट मिला, हमारे जैसे लड़कों का जितने भी गार्ड साहब, जितने भी भावी गार्ड हैं, उनका पूरा हुजूम जुड़ गया और उस बिस्किट के पीछे ही पड़ गया। अब इस बिस्किट क्या टुकड़े टुकड़े करके पूरा का पूरा मंगने के फिराक में, लूटने की फिराक में लगे हैं और इस बीच कोई भी ना छोड़े जा रहा है, ये भी एक अलग ही मजा है। चलिए रेलवे गुड्डू चैनल, जो कि सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके रेलवे के थ्रू रेलवे के बारे में मिलेगा, इसीलिए रेलवे गुड्डू चैनल को पहले लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूले, ताकि नया वीडियो अभी आता रहेगा ट्रेनिंग के दौरान। फील्ड ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो आप करते रहिए, बेल आइकन को दबाते रहिए कभी तक, क्योंकि नया वीडियो डालेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। दबा के लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। नहीं 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 भाई, ओनली दबा के लाइक करो, 5,000 लोगों ने दिख जाना चाहिए हमको। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं RRI। चारों तरफ है धुआं ही धुआं। ये रेलवे की एक नई पहल है, इसमें क्या होती है, जितने भी यात्री बैठे होते हैं उनके ऊपर से एक स्प्रेयर के माध्यम से स्प्रे किया जाता है, जिससे हल्की हल्की बूंदे शरीर पे पड़ती है और ठंडक का एहसास होता है, और यात्री जितने भी बैठे रहते हैं वो आराम से बैठे रहते हैं, उनको कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। गर्मी से ये राहत दिलाने का काम कर रही है। ब्लॉगर की है, ब्लॉगर
बोलिए राजू। अभी हम लोग जा रहे हैं आरआरआई रूट रिले इंटरलॉकिंग। ये एक बहुत बड़े यार्ड और बड़े स्टेशनों में होता है जहाँ से एक जगह से हम पूरे पॉइंट और क्रॉसिंग को ऑपरेट करते हैं। तो पहले ये सिस्टम मैनुअली होता है, अब इलेक्ट्रिकली होता है जो रूट रिले इंटरलॉकिंग। एक जगह बैठे बैठे सब बढ़िया मजे में पॉइंट और क्रॉसिंग को ऑपरेट कर सकते हैं। अरे यार पूरा का पूरा लग रहा है, एक सांस और लेना पड़ेगा। अब इससे तांबा धारण कर लिया है भाई अपना, अब दुनिया छोड़ने का वक्त आ गया है। सब मोह माया है। तो रेलवे किस चक्के में जाने वाले हो? देखिए वैसे भी रेलवे की जिंदगी है, आर्ट की जिंदगी, जो एक संत की जिंदगी है, अकेलेपन की जिंदगी है, जिंदगी है तो वो सबका अकेलापन अपनाने का श्वेतांबर धारण कर लिया आज ही से, ताकि बाद में जाने में दिक्कत ना हो। हाँ बिल्कुल, अरे ट्रेनिंग यही है ना, ट्रेनिंग में सब कुछ। हेलो दोस्तों, चलो यार दोस्तों, रेलवे गुड्डू पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम यार्ड मास्टर से रूट रिले इंडिकेटर के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। ओके तो देखिए कुछ बैच हमारे वीडियो भी को जानकारी मिलेगी आगे की। और ये देखिए अभी से संत की वेशभूषा में जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि कल के डेट में अकेले ही जीवन काटना है, तो इन सभी भौतिक सुविधाओं का त्याग करने के लिए भाई अपने तैयार हो गए हैं। तो चलिए मिल। अब जैसे ही यहाँ से निकले एक ट्रेन आकर के रुक गई। अब ये ट्रेन जब तक पूरी पार नहीं होती है तब तक हम उस पार जो आरआरआई बिल्डिंग दिख रहा है वहां नहीं पहुंच पाएंगे। अब ये ट्रेन जब तक पार हो रही है तब तक हम सभी दोस्त मिल के यहाँ से इंतजार कर रहे हैं कि कब ये ट्रेन गुजरे। ट्रेन के स्टार्टिंग में देखकर हमें लगा कि कम से कम औसतन एक मिनट में ये ट्रेन निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ से लगते हैं 58 के निकलने में केवल और केवल एक मिनट का समय मैक्सिमम लग सकता है। बट थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि यहाँ तो दो ट्रेनें आपस में जुड़ी हुई है, मतलब जितनी भी ट्रेनें हैं एक पूरा का पूरा सेट ऑफ ट्रेन आगे है और उसी के साथ में कपल होकर के एक और सेट ऑफ ट्रेन उसके साथ अटैच होकर के जुड़ा हुआ है। तो इसमें लग गया हमें बहुत सारा इंतजार, बहुत सारा समय होने के बाद अब ये ट्रेन आखिरकार गुजरने ही वाली है। तो इस ट्रेन के गुजरने के बाद अब हम जाएंगे उस पार, तब तक के कर रहे हैं बस इस ट्रेन के पार होने का इंतजार। फील्ड ट्रेनिंग के दौरान है और देखने आए हैं रूट रिले इंटरलॉकिंग के बारे में। अभी हम बिलासपुर स्टेशन पे हैं और सामने जो पीछे बिल्डिंग है ये रूट रिले इंटरलॉकिंग की बिल्डिंग है। ये आरआरआई बिल्डिंग से ही पूरे हम यार्ड को एक जगह से पैनल को चलाते हैं जहाँ से पॉइंट और क्रॉसिंग चलते हैं, यहीं से सारे ऑपरेशन यहाँ पर किए जाते हैं, या वो संटिंग ऑपरेशन हो या गाड़ी को यहाँ से भेजना हो। छोटे स्टेशनों पर ये बैठे बैठे स्टेशन मास्टर एक जगह से काम कर पाते हैं, पर यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट क्रॉसिंग और यार्ड हैं, इसलिए इसको जो नई टेक्निक आई है आरआरआई इससे कंट्रोल किया जाता है। तो बात्रा जी कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, आप बताइए आपका क्या हाल चाल, सभी आपके सब्सक्राइबर का क्या हाल चाल? सब तो बढ़िया है, मस्त है, बस आप ही का इंतजार कर रहे थे, दो शब्द कहिए उनके लिए। बढ़िया, सब मस्त है, सब हमारे लड़के 62 के बाद बहुत बढ़िया है, बहुत मजा आता है इनके साथ, बस इस दिन का ट्रेनिंग बताई। तो आज क्या करने के लिए आए हैं यहाँ पे? आज का तीसरा दिन है। अच्छा, ये दिवस पर हमें आज स्टेशन में भेजा गया और स्टेशन के अंतर्गत आज लास्ट में भेजा गया है। मैं तो देख रहा था सबसे कि स्टेशन मास्टर कैसे ट्रेन हो रही है, ये कैसे आगे बढ़ती है, सुंदर जानकारी लेंगे। तो ये स्पेशली बिलासपुर स्टेशन में ही बना हुआ है आरआरआई के लिए? आरआरआई बिलासपुर स्टेशन में है, वही तो अंदर अभी हमारा निरीक्षण हुआ नहीं है, अंदर जाते थे जो देखते निरीक्षण जब आएंगे। तो यहाँ है हमारे रूट रिले इंटरलॉकिंग का बिल्डिंग और इसके अंदर जैसे ही हम पहुंचते हैं स्टेशन मास्टर और जो उनके क्रू हैं वो सभी के सभी बिजी हैं ट्रेन को लाइन क्लियर देने के लिए, ट्रेनों के मूवमेंट, जो उनका ऑपरेशन है, जो उनका एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना है, किस ट्रैक के माध्यम से ले जाना है और कहां से लेके जाना है और कहां पे रोकना है, ये सब डिसाइड करके वहां से निर्देशित करते हुए इसके लिए क्या होता है पूरा का पूरा जो पैनल बना होता है उस पैनल को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे 3-4 स्टेशन मास्टर्स रहते हैं, वे वर्क करते रहते हैं पैरेलली और उसके बाद फिर एक दूसरे की सहायता लेकर के गाइडेंस के माध्यम से जो ट्रेन का मूवमेंट होता है
उसको कंट्रोल करते हैं। इसके लिए पर्याप्त दूरी पर रख करके एक ट्रेन को रोक करके दूसरे ट्रेन को लाइन क्लियर देते हैं। जब वो ट्रेन आ जाती है उसके बाद किसी दूसरे ट्रेन को वहाँ पे लाइन क्लियर दिया जाता है। तो ऐसे करके यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लाइट्स होते हैं, लाल, पीले, नीली, विभिन्न प्रकार की लाइट्स होती हैं। अब वो सभी लाइटों का अलग अलग इंडिकेशन होता है, सभी लाइट्स अपना अपना अलग अलग इंडिकेट करती हैं। जो रेड लाइट है वो ज़्यादातर डिसाइड करती है कि यहाँ पे ट्रेन जो है ऑक्यूपाइड है, मतलब जो ट्रेन है वो उस स्टेशन सेक्शन पे या फिर जो पटरी है उस पे खड़ी हुई है। तो जब वो खड़ी रहती है तो वहाँ पे रेड शो होता है, और जब वो आने वाली होती है तो वहाँ पे येलो शो होता है। मतलब कि ये डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के इंडिकेशन होते हैं। ये सभी जो कलर है वो स्टेशन मास्टर ही समझेंगे और वहाँ के जो क्रू है वो समझेंगे। बाकी यहाँ पे तो हमें बताया गया उतना ही हम जानते हैं कि कुछ लाइन दिख रही थी, कुछ जो लाइटें दिख रही थी उसे समझने का हम प्रयास कर रहे थे। जितना हमसे समझ में आ रहा था उतना हम समझ रहे थे। अब जितना समझे जो ऑब्जर्व किए बस एक ही दिन का था, तो फिलहाल हमने केवल ऑब्जर्वेशन ही किया। ऑब्जर्वेशन करने के बाद जितना हमें समझ में आया उसका फीडबैक हम अपने टीचर को या फिर अपने जो भी जानने वाले हैं, जो हमारे सुपरवाइजर हैं, उनको देंगे कि हमने वहाँ पे जाकर के क्या क्या सीखा। बस यही होता है, RRI बिल्डिंग में बहुत सारे होते रहते हैं, एक साथ बहुत सारी ट्रेन का मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है, तो इसमें बहुत सारा एनर्जी लगता है और बहुत सारा सावधानी भी रखना पड़ता है। एक छोटी सी गलती की वजह से बहुत बड़ी रेल दुर्घटना हो सकती है, तो दुर्घटना ना हो इसके लिए पूरा का पूरा यहाँ पे कंट्रोल पैनल लगे होते हैं। एक एक ट्रेनों के मूवमेंट को अच्छे से मॉनिटर किया जाता है। अब देखिए यहाँ से एक और ट्रेन जो है, ये जो नीचे में चल रही है, ये ट्रेन को हमें, ये जो है शंटिंग इंजन है, शंटिंग इंजन उसे कहते हैं जो क्या होता है, जितने भी ट्रेन स्टेशन में होते हैं, जो भी अपने बोगीज लगे होते हैं उनको अरेंज किया जाता है कि S1 के बाद S7 बोगी, S2 बोगी रहेगा, S3 बोगी रहेगा, ऐसे करके S1 से लेकर S7 रहेगा, उसके बाद AC की बोगियाँ रहेंगी, उसके बाद फिर कुछ और बोगियाँ रहेंगी। तो ऐसे करके जो ट्रेन का पूरा अरेंजमेंट होता है, तो इसको एक शंटिंग इंजन के माध्यम से किया जाता है। तो शंटिंग इंजन बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, इसका ऑपरेशन करना भी, इसका जो मूवमेंट करना है ये बहुत ही स्मूथली होना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी जो कोचिंग डब्बे हैं वो तैयार हो सके। तो इसके लिए क्या होता है, पूरा का पूरा यहाँ पे जितने भी स्टेशन मास्टर जो पैनल में बैठे होते हैं वो सभी डिसाइड करते हैं कि किस ट्रेन को कैसे जाना है। कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा, मजा आ रहा है, एंजॉयिंग सो मच। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो चंदाकर जी, RRI में आकर के आपने क्या क्या सीखा बताएंगे जरा? अरे बहुत कुछ जाने, कैसे गाड़ी को लिया जाता है सेक्शन में, कौन सेक्शन खाली है, स्टेशन प्लेटफॉर्म में गाड़ी कैसे लिए जाता है, कैसे लिखा जाता है, ट्रैक सर्किट वगैरह क्या होता है, क्या यूज होता है, इसके बारे में आज कल बहुत जाने अभी तक पढ़े थे। फील्ड में आज इसको देखेगा कैसे इंटरलॉक होता है, जानकारी होगी। अच्छा, तो जो रेड कलर की लाइट दिख रही थी, येलो कलर की लाइट, उसमें कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आप सेक्शन में अभी गाड़ी खड़ी हुई है, अच्छा मतलब बहुत कुछ आपने सीख लिया है यहाँ से। लग रहा है अगर मौका मिलेगा तो आप यहाँ सीधा ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आ सकते हैं डायरेक्ट ऑपरेट करने के लिए, है ना? डिपार्टमेंट है लेकिन आने का मौका। अरे वाह यार, सही बात है, डिपार्टमेंट तो अपना ऑपरेटिंग ही है, बट RRI में अगर आने का मौका मिलता है तो बिल्कुल कर सकते हैं ना। अब यहाँ से हम सभी मित्र निकल चुके हैं कोचिंग डिपो में जाने के लिए। कोचिंग डिपो मतलब कि कोचिंग डिपो का जहाँ पे मेंटेनेंस किया जाता है, जो भी हमारे जो बोगीस होते हैं जिसमें सामान्यतः पैसेंजर यात्रा करते हैं, उन सभी बोगियों का भी मेंटेनेंस किया जाता है। तो जो मेंटेनेंस किया जाता है उसे कोचिंग डिपो बोला जाता है। अब वहाँ हम जाएंगे। इससे पहले हमने देखा एक विशिष्ट प्रकार का ट्रेन, ये जो ट्रेन है ये होता है OHE केबल को सुधारने के लिए, जो हमारे ओवरहेड वायर्स रहते हैं, मतलब जो जिसके माध्यम से हमारे जो ट्रेन है वो चलते हैं पेंटोग्राफ के द्वारा जो करंट लेकर के। तो उन ट्रेनों का जो सुधार कार्य है वो इस ट्रेन के माध्यम से किया जाता है। इसमें जो इंजीनियर्स हैं और जो इनके वर्कर्स हैं वो सभी बैठ जाते हैं ऊपर में, और वे OHE केबल का निरीक्षण करते हुए जाते हैं और जो भी फॉल्ट होता है उसको सुधारते जाते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले पहुंचे कोचिंग डिपो में। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा वॉशिंग करने वाली जगह, यहाँ पे होता है ट्रेनों की साफ सफाई, और ट्रेनों का किया जाता है पूरा का पूरा पानी और ब्रश के माध्यम से सफाई। इसके लिए ऑटोमेटिक मशीन लगे हुए हैं, वो ट्रेनों की सफाई अच्छे से करते हैं। कोचिंग डिपो में हमने सबसे पहले देखा व्हील्स, ये है हमारे LHB कोचेस के व्हील्स।
ये व्हील्स बहुत बड़े होते हैं आकार में और इसमें होती है डिस्क ब्रेक। ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये चीज कहलाती है इसकी डिस्क ब्रेक। और ये हम उसका मुआयना करते हुए, क्योंकि ये इंजन से सेपरेट होकर के अलग से रखी हुई है, ये मेंटेनेंस के लिए अभी आई हुई है, इसका मेंटेनेंस किया जाएगा। मेंटेनेंस करने के बाद फिर से LHB कोचेस में इसको यूज किया जाएगा। इसमें आयल ग्रीसिंग और विभिन्न प्रकार के मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा। जो भी आवश्यकता होगी उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। इसके लिए यहाँ पे एक लिफ्ट, मतलब इसको उठाने वाली एक मशीन होती है, ये लिफ्ट मशीन कहलाती है, जो पूरे के पूरे बोगी को ऊपर उठा देती है। अब ये देख रहे हैं हम यहाँ पे इसके जो एयर सस्पेंशन है, इसमें लगा होता है जो सस्पेंशन वो होता है एयर टाइप का। तो जो ये खुला हुआ भाग दिख रहा है वही है एयर सस्पेंशन, जिसकी वजह से झटके कम लगते हैं। जो कुछ मित्र हमारे छूट गए थे उनको लेने के लिए फिर से हम जाते हुए, लेकिन ये क्या, हम तो तीन पहले ही बैठ गए हैं। तो अब जो भी मित्र बचे हुए हैं उनको बोलेंगे कि आइए हमारे पीछे चलिए, और जितने भी ये मित्र रुके हुए हैं उनको एकदम जागरूक करके अपने कोचिंग डिपो में जाने के लिए तैयार करते हुए अब उनको बोलेंगे कि आइए दौड़ते दौड़ते हम चले आगे आगे। चल कौन सा क्या चीज बता रहा है, चल जल्दी बता। फीबा क्या क्या है, फुल फॉर्म तो भूल गया क्या, इंडिकेटर वो है फीबा का है। क्या चीज बता रहे भाई, ये है फीबा। फीबा हाँ, अच्छा यही तो बताता है ना वो कि एयर वो निकला है कि नहीं निकला है ऐसे। हाँ, एयर बलून, एयर बलून, ये फीबा। हाँ, इसका तो ग्रीन, ये तो रेड, ये ग्रीन कलर रहता है मतलब ना, सही है। हाँ, रेड कलर होता है मतलब ना निकला हुआ। ये होती है हमारी LHB कोचेस की बोगी, मतलब जो भी हमारे पैसेंजर ट्रेन होते हैं मैक्सिमम ट्रेनों में इसी प्रकार की हमारी बोगी लगी होती है। इसमें एयर टाइप का सस्पेंशन देख रहे हैं और साथ ही साथ इसमें बहुत ही ज़्यादा स्प्रिंग और इसके माध्यम से पूरा पूरा जो जितने भी झटके होते हैं उनको पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया जाता है। मतलब कि पूरी की पूरी जो हमारी बोगी जो रहती है वो बॉडी तक के झटके को नहीं जाने देती है। उससे पहले पूरे के पूरे बोगी जो उसके व्हील्स लगे होते हैं वहाँ तक के जो झटके महसूस होते हैं उनको पूरा का पूरा अपने अंदर समाहित कर लेती है। ये देखिए, ये बड़ा बड़ा स्प्रिंग लगा होता है, ये स्प्रिंग के माध्यम से ही जर्क को कंट्रोल किया जाता है। और ये जो होती है हमारी, इसको बोला जाता है जिसमें हमारे जो ट्रेन है, मतलब कि जो हमारी बॉडी जो होती है जिसमें पैसेंजर बैठते हैं वो पूरा का पूरा इसी में माउंटेड होता है। इसमें दोनों तरफ दी हुई है, इस दोनों में ही अच्छे से जा करके वो फिट होती हैं, जिसके बाद से पूरा का पूरा जो हमारा झटके हैं वो पूरा का पूरा कंट्रोल कर ले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे जो भाई हैं वो वहाँ पे जो इनका फीबा का जो प्रेशर है उसको मेंटेन कर रहे हैं, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से वर्क करता है, कैसे कैसे करके उसका टेस्टिंग किया जाता है। यहाँ पे जो झटके महसूस किए जाएंगे जो इसका सस्पेंशन उसका चेक किया जाएगा। इतना बड़ा ट्रेन है और इसको रोकने के लिए ये देखो छोटे छोटे गिट्टियों का उपयोग किया गया, मतलब क्या ही बोले। कोचिंग कॉम्प्लेक्स में भी यही हालात है, ये एयर सस्पेंशन, अरे चक्कों के बीच में गिट्टी लगा कर रोका गया है हर एक चक्के के नीचे। चलो आ जाओ। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं जो हमारा कोचिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ है उसमें जितने भी हमारे व्हील्स यहाँ मेंटेनेंस के लिए आए हुए हैं, जितने भी कोचेस मेंटेनेंस के लिए आए हुए हैं उन सभी का एक दृश्य।
तीन तो बटन रहते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ऐसा दोनों को एक साथ खींचे नहीं होगा, तो ये दोनों को एक साथ खींचे तो अपने आप रिसेट होगा, ठीक है। एसीपी रिसीट करने के लिए दोनों एंगल कॉक को एक एक साथ दबाइए, तो ग्रीन कलर का ये रेड हो गया नहीं, ये हमारा। ये आइए हम लोग बताते हैं आपको ट्रेन की बैटरीज, ये देख रहे हैं ये है ट्रेन की बैटरीज, इतनी बड़ी बड़ी बैटरीज हैं कि पूछिए मत। एक एक ट्रेन की बैटरी कहीं ना कहीं 1100 एएच की बैटरी है। जनरली जो हमारे घरों में जो बैटरी होती है 110 एएच, मतलब जो नॉर्मल हम यूसेज में करते हैं, जो हैवी जिसको हम लोग बैटरा बोलते हैं अपने घर में, वो होती है 110 120 एएच की। और ये जो बैटरी जो ट्रेन में लगती है वो होती है हमारी 1100 एएच के करीब, मतलब ये जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है तो 1100 एएच की स्टोरेज कैपेसिटी रखती है। मतलब ये जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रख सकती है, जिसका यूज बहुत ही लंबे समय के तक के लिए किया जा सकता है, क्योंकि उतनी सारी पूरी पूरी लाइट और पंखों को चलाने के लिए इतनी बड़ी बैटरीज की रिक्वायरमेंट होना ज़रूरी ही है, तो इनका भी मेंटेनेंस यहाँ पे किया जाता है। अब ये जो हम दिखा रहे हैं ये जो है ट्रेन में जो होता है हमारा एक से का निशान, ये होता है वास्तव में क्रॉस का निशान। मतलब ये समझिए कि ट्रेन की जो लास्ट बोगी होती है, जो सबसे लास्ट में लगी होती है, उसमें जो एक्स कलर का ये पीले कलर का निशान बना होता है, और साथ ही साथ उसके नीचे में एक रेड कलर की जो लाइट है वो ब्लिंक होती रहती है, वो जलते रहती है, ब्लिंक नहीं होती है, वो जलते रहती है कंटिन्यूस। इससे जो जितने भी हमारे स्टेशन स्टाफ हैं, जो हमारे गेट मैन भाई हैं, वो सभी इस चीज़ को देख करके समझ जाते हैं कि जो हमारी गाड़ी है पूरी की पूरी पार हो चुकी है। दिन के समय में वो एक सेकंड निशान देख करके समझ जाते हैं कि ट्रेन पूरी पूरी पार हो चुकी है, और रात में वो रेड कलर का जो इसमें निशान बना है उसे देख करके, जो रेड लाइट जलता है उसे देख करके वो डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ पूरी पूरी ट्रेन अब गुजर चुकी है, अब जो अपना गेट है उसे खोल देते हैं। जब भी किसी कोचिन ट्रेन की एसी ख़राब होती है तो वो मेंटेनेंस डिपो में आता है, तब उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि पूरे की पूरी ट्रेन को लगाया जाए, तभी तो एसी को चालू कर पाएंगे। इस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे दिया जाता है एक सॉकेट, इसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी एसी में प्रोवाइड कर दी जाती है।
इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के बाद यहीं से ही एसी का टेस्टिंग कर लिया जाता है। आपके साथ नहीं आया वीडियो में, कैसा लग रहा है फील? तो फिर यहाँ आ रहा है और यहाँ पे कोचिंग कॉम्प्लेक्स हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम आज कोचिंग कॉम्प्लेक्स में आए थे और ये हमारे अमित जी हैं, रूम पार्टनर। रूम पार्टनर भाई के बारे में बताइए। ये गौरी है, बहुत अच्छे बैट्समैन है। बैट्समैन है हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा। ऐसा हाँ तो भाई बहुत बढ़िया लगा हमको यहाँ पर। एसीपी हमने आज सीखी, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, आज एसीपी कैसे रिसेट होता है हमने सीखा। एसीपी का फुल फॉर्म तो बता दीजिए। अलार्म चेन कूलिंग। अरे वाह गजब, ये हुई ना बात, शानदार छा गए आप तो पूरा का पूरा। चलिए फिर चलते हैं भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के कल मिलते हैं अपन लोग एलबी वैन में। आज के लिए बस इतना ही है कोचिंग कॉम्प्लेक्स में। कैसा लगा आपको आज? तो बहुत मजा है आने के लिए। अलार्म चेल पुलिंग हम लोग करते थे लेकिन उसको सुधारने का तरीका आज पहली बार सीखे हैं, है ना। कुछ नया चीज सीखे हैं तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और ये देखिए हमारे मॉनिटर कुछ बता रहे हैं। उसके बाद उसके लास्ट में सिगार के सिग्नेचर ले लीजिए एक बार फिर से। आपने लिखा है जैसे गार्ड के साथ गए फलाना किलोमीटर पर ये चीज मिली, ये चीज वो लिखते हैं जैसे एज इट इज। आप भी लिखो। मिलेगा क्या वहाँ? नहीं, पेज अपने ले जाने भाई, पेज और पेन अपने ले जाना। गार्ड की मत मांगना यार, पूरा भर दोगे गार्ड का सिग्नेचर जरूर ले लेना, ठीक है। एटलीस्ट ये पता होगा मैं किस गार्ड के साथ गया था। नाम तो पूछ ही लोगे कि सर आपका नाम क्या है। भाई बंधु जो भी भाई बोलोगे, सर बोलोगे, आपकी मर्जी है, ठीक है। लास्ट उसके सिग्नेचर 6:30 7:00 बजे जो ट्रेन मिलेगी सुबह 5:05 का बैच जाएगा। सुबह 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 नहीं तो अपन अपनी मर्जी, अपनी मर्जी है। ऐसा किसी पे थोपा नहीं गया कि आप 6 बजे उठ के पहुंचो, आप 10 बजे पहुंचो, 12 बजे पहुंचो, 1 बजे पहुंचो, 4 बजे पहुंचो। कोई भी जाएगा लॉबी में तो लॉबी में मिलेगा एक पायलट पास मिलता है, 5 लोगों का नाम लिखेगा उस वो अलाउ करता है। ऐसा किसी में भी चढ़ के नहीं जा सकते, वो लॉबी में पास बनता है, क्लरिकल क्लर्क वाला पास बनाता है, ठीक है। वो पायलट पास बोलते हैं आई थिंक, जो भाई पहले जॉब करते हैं यही बोले थे। तो वो देगा तो 5 लोग फिर चढ़ जाना, ठीक है ना। वो ग्रुपिंग अभी ग्रुप में बना दो कि भाई ये चलिए। रेलवे गुड्डू चैनल को चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम कमल, हमें रेलवे गुड्डू चैनल दोस्त हमारे गुड्डू भाई के कमल। तो प्लीज रेलवे गुड्डू चैनल को पहले लाइक करें क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते रहते हैं।
जैसे कि हो गया रेलवे के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, अब तो फील्ड ट्रेनिंग चल रहा है तो और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आप बटन है ना उस पर कुछ भी करिए बस सब्सक्राइब हो ना जरूर, ताकि कोई भी बंदा कोई भी वीडियो डाले गुड्डू भाई तो आ जाए और महाकाल की कृपा से प्लीज 5000 लौटे दिख जाने चाहिए, दिख ना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय 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 बाय। चैनल के बारे में चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, जितना रेलवे के बारे में जानकारी चाहिए रेलवे गुड्डू से जानकारी कमेंट में पूछते रहो। आपको हर चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, कोशिश की जाएगी तो उसमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल ही जाएंगी।